बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त। नेपाल से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश की घटना सामने आई है। काठमांडू में विमान हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त। काठमांडू एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान विमान क्रैश हो गया। लैंडिंग के दौरान शौर्य एयरलाइंस का विमान क्रैश हुआ है। शौर्य एयरलाइंस के विमान में आग लग गई। उड़ान भरने के दौरान ही इस विमान में आग लग गई। काठमांडू में प्लेन क्रैश हुआ है इस वक्त की बड़ी खबर। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश। नेपाल की राजधानी काठमांडू में प्लेन क्रैश इस वक्त की बड़ी खबर। रनवे से फिसला है विमान। 19 लोग बताया जा रहा है इसमें सवार थे। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रनवे से विमान टेक ऑफ करते वक्त स्लिप हो गया, फिसल गया, क्रैश हो गया। 19 लोग सवार थे इसमें और बाहर जाकर क्रैश हुआ है। फिलहाल अब तक की जो जानकारी इसमें सामने आ रही है कि अभी तक कोई हताहत नहीं होने की जानकारी है। उड़ान भरने के दौरान, टेक ऑफ करने के दौरान त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह विमान स्लिप हुआ और फिर क्रैश कर गया। फिलहाल अब तक किसी के हताहत होने की कोई जानकारी इसमें सामने नहीं आ रही है। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये हवाई अड्डे के ठीक बाहर जाकर आप देख रहे होंगे धुआं उठता हुआ। ये प्लेन टेक ऑफ के दौरान स्लिप किया और उसके बाद ये जाकर आगे एयरपोर्ट से कुछ थोड़ा सा ही आगे जाके क्रैश कर गया। मतलब ज़्यादा ऊंचाई इसने ली नहीं थी, उड़ान भरते ही ये क्रैश हुआ है। लिहाजा अब तक की जो जानकारी है इसमें अब तक तो किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आ रही है। विमान में आग लग गई। राहत बचाव के लिए जितनी टीमें थी वो तुरंत बिना समय गंवाए इस जगह के लिए दौड़ पड़ी और क्योंकि रनवे से थोड़ी सी ही दूरी पर ये विमान क्रैश हुआ था लिहाजा समय रहते ये सभी लोग राहत बचाव के लिए वहाँ पर पहुँच गए। एक बड़ी तादाद में वहाँ पर सुरक्षा बल, बचाव कर्मी वहाँ पहुँच गए हैं जो कि इस जगह पर पहुँचे। लिहाजा आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, विमान में आग की लपटें ज़्यादा तेज़ नहीं हैं, धुआं उठता हुआ ज़रूर दिखाई पड़ रहा है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि समय रहते इस आग को बुझा लिया गया। लेकिन अभी तक हालांकि हताहतों की कोई जानकारी मिली नहीं है, लेकिन ये कहा नहीं जा सकता कि इस घटना में लोगों की मौत नहीं हुई होगी। अभी पक्की खबर आनी सामने बाकी है। हालांकि ये कंफर्म कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि अभी तक किसी की इसमें मौत हुई है। एकदम शुरुआती जानकारी, अब से कुछ ही देर पहले यह हादसा हुआ है और हादसा होते ही ये खबर जल्द से जल्द हम आपके सामने रख रहे हैं। ये तस्वीरें भी आपके सामने इस वक्त आ गई हैं। सोशल मीडिया की दुनिया है, बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह तस्वीरें पहुंच जाती हैं और उसके जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। ये बचाव कार्य इस वक्त भी चल रहा है और जो जानकारी अब तक मिल पाई है, शौर्य एयरलाइंस का विमान था, टेक ऑफ करते ही रनवे पर ये फिसला और उसके बाद ये थोड़ा सा आगे जाकर क्रैश कर गया है। काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज, 19 लोग इसमें सवार थे। किसी के हताहत होने की फिलहाल तो खबर नहीं है इस पूरे मामले में। रनवे पर फिसलने के बाद ये विमान कुछ ही मीटर जाकर आगे गिर गया और इसमें आग लग गई। लेकिन क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं थी इसलिए सुरक्षा और बचाव एजेंसियों को इस जगह तक पहुंचने में ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ी और समय रहते उन्होंने इस आग पर कंट्रोल भी किया।
आप धुआं उठते हुए इस वक्त देख पा रहे होंगे और लोगों को भी बहुत जल्द विमान के अंदर से निकाला गया, लेकिन अभी ये जानकारी स्पष्ट नहीं की है सुरक्षा एजेंसियों ने कि क्या इस विमान हादसे में किसी की मौत हुई है या नहीं हुई है। लेकिन एक बात समझी जा सकती है कि फिलहाल तो ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा हादसा होने से ज़रूर टला है। इस वक्त की बड़ी खबर, ये विमान में 19 लोग सवार थे, शौर्य एयरलाइंस का विमान था, काठमांडू से पोखरा के लिए इसने उड़ान भरी थी। पोखरा जो कि एक हिली डेस्टिनेशन है जहां पर अधिकतर विदेशी सैलानी सब जाते हैं, अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इसमें कितने लोग मरे हैं, लेकिन इस बात से अभी इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें कोई बड़ा हादसा हो गया हो। हम जो पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये पुरानी तस्वीर ये दिखा रहे हैं, इससे एक पहले हादसा हुआ था, ये उसकी तस्वीर है। लेकिन शौर्य एयरलाइंस के इस हादसे में अब तक स्पष्ट तौर पर लोगों के मरने की या मौत की सूचना अभी सामने नहीं आई है। जैसे ही कंफर्म खबर, पुख्ता खबर आएगी, इंडिया न्यूज़ आप तक पुख्ता खबर देने के लिए भी जाना जाता है, लिहाजा हम आपको सही सच्ची और पुख्ता खबर समय रहते आप तक पहुंचा देंगे। जो दूसरी तस्वीर दाईं तरफ आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही है वो वर्तमान हादसे की तस्वीर है। मौके पर दमकल विभाग, पुलिस प्रशासन, सभी टीमें मौजूद हैं त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर। ये एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही विमान स्लिप होते ही आगे जा गिरा। शौर्य एयरलाइंस का विमान था, 19 लोग इसमें सवार थे, काठमांडू से पोखरा के लिए उड़ान भरने जा रहा था ये विमान। बड़ी खबर हमने आपके सामने इस वक्त की रख दी है, जैसे ही और अपडेट आएंगे वो भी अपडेट आपके सामने हम लगातार रखते जाएंगे। अभी लगातार हम आपको ये दिखा रहे हैं कि अभी तस्वीरें क्या हैं, हालात क्या हैं वहाँ पर।